विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। आज उत्तराखंड में हम प्रमुख उत्सव महोत्सव कर रहे हैं, तो पहला जो उत्सव है वो है नौठा कौथिग। यह गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्सव पब्लिक मेला है, जो बैसाख के पांचवें सोमवार को याद करना जरूरी है, क्वेश्चन बन चुका है, या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार को आयोजित किया जाता है, या तो बैसाख के पांचवें सोमवार को या ज्येष्ठ के प्रथम सोमवार को आयोजित होता है। बैसाख और ज्येष्ठ क्या है, महीने हैं, महीनों के नाम है, किसके नाम है, महीनों के नाम है। इसमें एक दूसरे गाँव के बीच पत्थरों की वर्षा से पहले कई लोग घायल हो जाते थे, इसमें भी अश्मवृष्टि होती है, अगर पत्थरों की वर्षा नहीं लिखा होगा तो अश्मवृष्टि लिखा होगा, क्या लिखा होगा, अश्मवृष्टि। तो इसमें एक दूसरे गांव के बीच पत्थरों की वर्षा से या अश्मवृष्टि से पहले कई लोग घायल हो जाते थे, और कभी कभी कुछ कौथगेरों की मृत्यु तक हो जाती थी, परंतु अब ढोल नगाड़ों के साथ सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में पत्थरों की वर्षा होती है, क्या होती है, पत्थरों की वर्षा होती है। कहाँ होता है, गढ़वाल कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में चमोली के आदिबद्री धाम में, कहाँ, चमोली के आदिबद्री धाम में, तथा कुमाऊं क्षेत्र में देवी धुरा पूर्णागिरी और सोमेश्वर द्वारहाट में कौथिग विशेष रूप से मनाया जाता है। भाई नौठा कौथिग उत्सव कहाँ कहाँ मनाया जाता है, चमोली के आदिबद्री में मनाया जाता है, और कहाँ मनाया जाता है, कुमाऊं में देवी धुरा में मनाया जाता है, पूर्णागिरी में मनाया जाता है, सोमेश्वर द्वारहाट में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, कहाँ मनाया जाता है, आपसे कुछ नहीं पूछेगा, और अश्मवृष्टि खासकर ध्यान रखना है, पहले होती थी अब नहीं करते हैं। चमोली के आदिबद्री धाम में अब नौठा कौथिग को हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाता है, तो नौठा कौथिग का नाम क्या कर दिया गया वहां पर चमोली में, पंचबद्रियों में आता ना आदिबद्री एक, तो आदिबद्री को अब हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाता है। इतना समझ में आ गया, तो बस यहीं के इसी के बीच में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो मिलेगा कब मनाया जाता है, तो आपने बोलना बैसाख के पांचवें सोमवार या ज्येष्ठ के ज्येष्ठ माह के प्रथम सोमवार को आयोजित होता है। फिर आपसे पूछेगा क्या होता है इसमें, तो पहले अश्मवृष्टि होती थी, लेकिन अब क्या, ढोल नगाड़ों के साथ प्रतीकात्मक रूप में पत्थरों की वर्षा की जाती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतीकात्मक रूप में पत्थरों की वर्षा होती है किस उत्सव में, आंसर नौठा कौथिग में। फिर पूछेगा कहाँ, तो चमोली में आदिबद्री धाम, कुमाऊं में देवी धुरा, पूर्णागिरी, सोमेश्वर द्वारहाट, ठीक है। फिर पूछेगा क्या, चमोली में आदिबद्री धाम में नौठा कौथिग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, आंसर हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। अगला उत्सव जो है वो गेंदी का खकोटी उत्सव है, कौन सा, गेंदी का खकोटी उत्सव। यह उत्सव पौड़ी गढ़वाल जिले के समीप कुछ गाँवों में बसंत पंचमी से बैसाख तक चलता है। बसंत पंचमी से बैसाख को याद करना है आपने, पौड़ी गढ़वाल जिले को याद करना है, ठीक है। यह इस उत्सव की परंपरा पांडवों से जुड़ी हुई है, पांडवों से जुड़ी हुई जो जो परंपराएं होंगी उत्सवों की, उनकी एक अलग लिस्ट बनानी है पांडवों से संबंधित, ठीक है। तो इस उत्सव की परंपरा पांडवों से जुड़ी हुई है, लोगों का मानना है कि राजा पांडु यहाँ श्राद्ध तर्पण यज्ञ करवाते थे, क्या करवाते थे, पांडु रोग से ग्रसित थे ना पांडु, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा था, पांडु, जॉन्डिस, क्या था उन्हें, जॉन्डिस, तो लीवर का बड़ा खतरा होता है भाई जॉन्डिस में, क्या होता है, अगर जॉन्डिस हो गया तो समझ लीजिए लीवर वीक है, किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन न करें जो कि लीवर को डैमेज कर दे, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है जॉन्डिस में, अगर क्या करते हैं जो थोड़ा हट्टी किस्म के लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं, और जिन्हें वैद्य द्वारा या डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती कि कुछ पदार्थों के सेवन नहीं करने और फिर भी वो करते हैं तो बड़ा क्या होता है, ठीक है। परंपरा के अनुसार यहाँ गेंदी, मादा गेंडा का खकोट खाल खींचा जाता है, किसका खाल, मादा गेंडा का खकोट या खाल खींचा जाता है। गेंदी को पाने के लिए पांडवों को कई दिनों नागमल से युद्ध करना पड़ता है, किससे, नागमल से युद्ध करना पड़ता है। बाद में अर्जुन गेंदी को अपने धनुष के प्रहार कर
मारने में सफल हो जाते हैं। इसी के साथ पांडवों द्वारा श्राद्ध तर्पण के कार्यक्रम को विधिवत समापन होता है या किया जाता है। ठीक है, परंपराएं हैं पुरानी, क्या बोल सकते हैं, मेथोडोलॉजी में बताया गया है कि ऐसा ऐसा होता था। तो मादा गेंडा का खकोट यानी खाल खींचा जाता है। गेंदी को पाने के लिए पांडवों को कई दिन नागमल से युद्ध करना पड़ता है। किससे? नागमल का नाम ध्यान रखना आपने। बाद में अर्जुन गेंदी को अपने धनुष के प्रहार करके मारने में सफल हो जाता है। इसी के साथ पांडवों द्वारा श्राद्ध तर्पण के कार्यक्रम को का विधिवत समापन होता है। मेले में 5 युवक पांडव बनते हैं। एक युवक नागमल और एक युवती नागमती की भूमिका अदा करती है। ढोल दमाओं की ताल पर लोग रात भर चौफुला और झुमेलो नृत्य करते हैं। चौफुला और झुमेलो नृत्य, गेंदी का खकुटी उत्सव, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के समीप कुछ गाँव में, बसंत पंचमी से बैसाखी तक। बार बार रिवाइज करना है, तब तक करना जब तक याद नहीं होता है। चौफुलो और झुमेलो नृत्य करते हैं। इस उत्सव के अंतिम दिन बैसाखी के दिन घर घर जाकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक। अगला है सुरकंडा उत्सव। कौन सा? सुरकंडा उत्सव। इस वार्षिक उत्सव का आयोजन टिहरी गढ़वाल जिले में सुरकंडा देवी के मंदिर में, टिहरी गढ़वाल जिले में, कहाँ? टिहरी गढ़वाल जिले में सुरकंडा देवी के मंदिर में देवी की वार्षिक पूजा के अवसर पर होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा प्रसिद्ध इस उत्सव पर भक्तगण पूजा पाठ के अतिरिक्त अपना मनोरथ पूर्ण करने आते हैं। सुरकंडा पता ही है आपके, तो नजदीकी पड़ता है ना? कहाँ से जाओगे? यहाँ से चंबा, ऋषिकेश से चंबा, चंबा से ओ मसूरी वाली रोड पकड़ोगे, है ना? फिर वहां से आप क्या नीचे, हाँ जी, कद्दूखाल, वहाँ से होते हुए फिर ऊपर थोड़ा चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अब तो शायद ट्रॉली सिस्टम भी हो गया। चलो बढ़िया है, ठीक है जी। अगला है शरदोत्सव। क्या है? शरदोत्सव। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे एक पूछा था 5 शक्तिपीठ कौन कौन से हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। तो एक सुरकंडा है जो टिहरी में है, चंद्रवदनी है ये भी टिहरी में है, नैना देवी का मंदिर है वो कहाँ है? नैनीताल में है। माँ धारी देवी का मंदिर है वो श्रीनगर गढ़वाल में है। मनसा देवी है वो हरिद्वार में है। तो 5 शक्तिपीठों में से एक ये भी है, सुरकंडा देवी। समझ में आया? जड़दारी लोगों का है यहाँ पर। किनका? जड़दारी। चलो, जैसे कुंजापुरी भी हैं आपके बगल में, है ना? तो वहां के जो पुरोहित हैं वो कौन है? भंडारी लोग हैं। अब इसके बाद भाई शरदोत्सव। क्या है? शरदोत्सव। शरदोत्सव में क्या होता है? पर्यटकों के आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली। कहाँ कहाँ? अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में शरदोत्सव का आयोजन किया जाता है। शरदोत्सव के दौरान पर्यटकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उसका स्वास्थ्यवर्धन भी किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ग्रीष्मोत्सव। देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के साथ ही उत्तरांचल की आर्थिकी में वृद्धि के मूल उद्देश्य के साथ ग्रीष्मोत्सव क्या का आयोजन अल्मोड़ा में राज्य के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। संस्कृति एवं पर्यटन विभाग अल्मोड़ा ग्रीष्मोत्सव। अल्मोड़ा में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है। घूमिए उत्तराखंड को, बहुत सुंदरता है उत्तराखंड में। अभी घूमे कहाँ हो आप? धीरे धीरे सुविधाएं भी हो रही हैं। क्या हो रही हैं? सुविधाएं भी मिल रही हैं। और ज़्यादा सुविधा संपन्न भी नहीं होना चाहिए वैसे। ज़्यादा सुविधाएं भी क्या करती है, फिर वैसा ही हो जाता है वो। थोड़ा सा कैसा इको टूरिज्म जिसको बोलते हैं उसको प्रमोट करना है हमें। किसको करना है? इको टूरिज्म को प्रमोट करना है। हिमाचल ने टूरिज्म को बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ ज़्यादा ही क्या कर दिया वहाँ, निर्माण कार्य जो है वो बहुत बड़े लेवल पर हो गए और ध्यान नहीं रखा गया किस चीज़ का? नहीं, निर्माण कार्यों में ये ध्यान नहीं रखा गया कि भाई कितने मंजिल बनाना है, 1 मंजिल 2 मंजिल। अब मनुष्य तो क्या है, बड़ा लालची होता है, 3 मंजिल 4 मंजिल 5 मंजिल, आप कितनी मंजिल बनाओगे? और इस बार जो बरसात में बड़ा नुकसान हुआ वहाँ पर, पता है आपको कितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें क्या हुई हैं? तो भाई सिस्मिक जोन पे तो है ही, हम भी हैं, हिमाचल भी है ना,
तो थोड़ा सा कॉन्क्रीट वॉन्क्रीट सरिया वरिया थोड़ा अच्छा लगाना पड़ता है। ये नहीं होता कि पहले मकान बना दिया तब ऊपर से कॉलम डाल रहे हैं आप। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, नीचे नहीं है कॉलम, जमीन से नहीं है, दुमंजिले से कॉलम शुरू हो रहे हैं। कहीं देखा है आपने? यही ऐसी जगहों पर दिखता है। तो किसी के भाई प्राणों के साथ क्या नहीं होना चाहिए। अगला हिल यात्रा उत्सव। क्या हिल यात्रा उत्सव? इको टूरिज्म का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका एनवायरनमेंट क्या रहता है, ठीक रहता है, ठीक है। और पारंपरिक भोजन वगैरह ये सब चीजें कीजिए, जो आपके पारंपरिक भोजन है वो करवाइए लोगों को। हिल यात्रा उत्सव यह मुख्यतः चरवाहों एवं कृषकों का उत्सव है। क्वेश्चन बन चुका है बहुत पहले, इन 23 सालों में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन देखा है मैंने। नाम से पता नहीं चलता है, हिल यात्रा नाम से नहीं पता चलेगा। हिल यात्रा किसका? चरवाहों एवं कृषकों का उत्सव है। फिर आपने पिथौरागढ़ के सोरो घाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है हिल यात्रा उत्सव? कहाँ मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। पिथौरागढ़ में कहाँ? सोर घाटी। कब मनाया जाता है? वर्षा ऋतु में। किस अवसर पर? धान रोपाई, रोपणी बोलते हैं हमारे यहाँ। क्या बोलते हैं? रोपणी। मड थेरेपी। क्या? मैंने आपको बताया भी था कि आजकल एक नई थेरेपी आई है, मड, आजकल नहीं आई है मतलब लोग परिचित हुए हैं मड थेरेपी से। मिट्टी के जो गुण है ना वो किसी चीज में नहीं है, ठीक है। तो मड थेरेपी भी हो जाती है, इस प्रकार से लोग स्वस्थ रहते हैं। अब तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं वो आप हाथों में क्या यूज करते हैं, सैनिटाइजर, कि भाई ज्यादा मत करो हाथों पर। कुछ ऐसे क्या होते हैं आपके बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आपके वो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मिट्टी में काम करने वालों के नहीं होते हैं, गाय के जो देसी गाय के गोबर को उठाते हैं उनके नहीं होते हैं, उनके बड़े अच्छे होते हैं हाथ, समझ में आया। वरना हाथ धो धोकर और सैनिटाइजर लगा लगा कर एक दिन ऐसा आएगा कि आपको, आप किसी गर्म चीज को नहीं पकड़ पाओगे, किसी ठंडी चीज को नहीं पकड़ पाओगे, ठंड भी ज्यादा लगेगी गर्म भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो हाथों को मजबूत कीजिए भाई, हाथ पाओ को। तो भाई हिल यात्रा, फिर बात करके मैं क्या करता हूँ आपको उलझाता हूँ, फिर मैं प्रश्न पूछता हूँ कि हिल यात्रा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। किसका उत्सव है? चरवाहों और कृषकों का उत्सव है। पिथौरागढ़ में कहाँ पर मनाया जाता है? सोर घाटी क्षेत्र में, सोरो घाटी क्षेत्र में। कब? वर्षा ऋतु में। किस अवसर पर? धान की रुपाई के समय, ठीक है। यह उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन है। पिथौरागढ़ की सोर घाटी क्षेत्र में कौन सा उत्सव पश्चिमी नेपाल की देन है? आंसर हिल यात्रा। कोई प्रश्न बना बनाकर पढ़िए ना अपने आप, देखिए फिर कैसे सही होते हैं वहां पर। प्रतीकात्मक रूप में यह पिथौरागढ़ के कुमाऊं बजट ही, कुमाऊं बजट ही, पिथौरागढ़ के। अब देखिए मैंने कहा लेवल बढ़ रहा है तो धीरे धीरे हो सकता है, हो सकता है आपसे यहां पर ना पूछे। बड़े पेपर जो होते हैं प्री के जब होते हैं तो अगर आपने ये बोल दिया ना कि मैं पिथौरागढ़ क्षेत्र का हूँ, वैसे तो अब नहीं पूछ रहे हैं इस प्रकार से, क्योंकि अब मना है कि भाई आपने नाम नहीं पूछना है, क्षेत्र नहीं पूछना है। ऐसे में क्या हो सकता है कि कोई उसी क्षेत्र का व्यक्ति क्या हो सकता है, बैठा हुआ हो सकता है ना। अब जैसे मेरा इंटरव्यू जब था तो अजय रावत जी बैठे हुए थे, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के लेखक कौन, अब मैं नहीं जानता था उन्हें कि वो अजय रावत जी। उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा कि दो जिंदा इतिहासकारों के नाम बताओ। अब मुझे पता होता कि अजय रावत जी हैं तो मैं नाम लेता कि अजय रावत जी हैं एक जिंदा इतिहासकार, बहुत बढ़िया हैं, इस तरह से मैं क्या करता। और सही बताऊं तो उस समय जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने नहीं पढ़ी थी हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, ठीक है, और मैं ज़्यादा परिचित भी नहीं था, शायद एक दो बार पढ़ी होगी, मुझे ध्यान नहीं था, और ना ही बाहर पता चला कि अंदर बोर्ड में कौन बैठे हुए हैं। अब वो जिंदा इतिहासकार पूछे तो मैंने बोला रोमिला थापर राम लखन शुक्ल, क्या बोला। अब क्योंकि मैं भाई इतिहास की किताबें पढ़ी थी तो रोमिला थापर जिंदा है, राम लखन शुक्ल जी भी जिंदा है, दो जिंदा इतिहासकार मैंने वो बोल दिए। तो क्या हो गया, अगर मैं शायद अजय रावत जी बोल देता तो क्या होता, प्रसन्न हो जाते, अच्छा लगता है ना अपना नाम सुनना, नहीं? तो ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने कहा पेपर धीरे धीरे थोड़ा सा क्या हो रहा है, टफ हो रहा है। तो अगर आपने बता दिया कि भाई पिथौरागढ़, वैसे तो जो आपका एक फॉर्म भरा हुआ होता है उसमें पता होता है कि हाई स्कूल इंटर कितना कितना परसेंटेज, वैसे कोई मायने नहीं रखता परसेंटेज वगैरह, है ना। जैसे ट्वेल्थ फेल में दिखा रहे हैं कि पूछ रहे हैं यूपीएससी में आप 12वीं में फेल क्यों हुए, पता नहीं, हो सकता है कि 97 तक शायद पूछे जाते थे, अब नहीं पूछते हैं सर।
तो चलो जी, पिथौरागढ़ में कुमौड़ बजट ही याद रखना है आपने। क्या रखना है याद आपको? कुमौड़ बजट ही, रावल गांव, विसाड़ भी बोलते हैं इसको, रावल गांव को, विसाड़ में, तथा परिष्कृत रूप से कनाली छीना, कहाँ कनाली छीना व अस्कोट क्षेत्र में मनाई जाती है। हिल यात्रा कहाँ कहाँ मनाई जाती है पिथौरागढ़ में, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ मनाई जाती है? कुमौड़ बजेठी में मनाई जाती है, रावल गांव विसाड़ में मनाई जाती है, रावल गांव विसाड़ को एक साथ बोलना है आपने, ठीक है, कनाली छीना में मनाई जाती है और अस्कोट में मनाई जाती है। अस्कोट तो सुना है आपने, कस्तूरा के लिए बड़ा फेमस है, कस्तूरा मृग है ना, तो अस्कोट क्षेत्र में मनाई जाती है। और ये भी बता दूं आपको कि जब 2000 पहला पीसीएस हुआ था ना 2002-03 के आसपास, तो वहां पर विंसर, अस्कोट ये नाम आए थे। क्या नाम आए थे? कुछ ऐसा हुआ था, हल्का सा ध्यान आ रहा मुझे, तो हम में से कई लोग परिचित नहीं थे इन नामों से। क्या नहीं थे? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि उत्तराखंड तो क्या है, बाएं हाथ का खेल है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तब पता चलता जब आप पेपर देते हैं, तब आप वास्तविक रूप से उत्तराखंड के बारे में क्या करते हो, परिचित होते हो, ठीक है ना, पढ़ने से, और ये जरूरी भी है। चलो तो भाई, कनाली छीना अस्कोट, बजेठी कुमौड़ बजेठी और रावल गांव विसाड़, ये नाम याद रहेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको एक नंबर दें, हो सकता है इसी नंबर की वजह से आप क्या हो, उस सरकारी पद को प्राप्त कर सके जिसके लिए आप क्या हैं, प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलो जी, इस उत्सव में चारागाह एवं कृषि कार्यों से संबंधित गतिविधियों वाला स्वांग नृत्य किया जाता है। चारागाह एवं कृषि कार्यों से संबंधित गतिविधियों वाला स्वांग नृत्य किया जाता है। स्वांग बोलते हैं, मैंने कहा झूठ मूठ नहीं, स्वांग रचना है ना, जैसे स्वांग, जैसे युद्ध युद्ध गीत का स्वांग नृत्य, मारते नहीं है एक दूसरे को, बस ढाल और तलवार लेके कुछ ऐसा दिखाते हैं जैसे क्या कर रहे हैं, स्वांग करते हैं। इतना समझ में आ गया। इसमें देव समूह की राक्षसों एवं दुरात्माओं पर विजय का दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। किसका? देव समूह की राक्षसों एवं दुरात्माओं पर विजय का दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद भाई रम्मान, ये यूपीएससी तक में पूछा जाएगा ये प्रश्न, रम्मान कहाँ, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो समूह गौ तो फिर बहुत, और पीसीएस वगैरह तो छोटी चीज हो गई यूपीएससी के सामने, है ना। तो रम्मान क्यों भाई, कि प्रत्येक वर्ष बैसाख महीने में राम से ही पता चल रहा है रम्मान, भगवान राम के नाम पर पड़ा है इसका नाम, क्या रम्मान। बैसाख महीने में, कब? बैसाख महीने में रम्मान अर्थात रामायण उत्सव, रम्मान अर्थात रामायण उत्सव का आयोजन चमोली के जोशीमठ ब्लॉक, चमोली याद रखना है, जोशीमठ ब्लॉक याद रखना है, उसके भी सलूड़ डुंगरा, सलूड़ डुंगरा व सेलंग गांव में किया जाता है। मैं अगर प्रश्न पूछता, मैं गांव से पूछता, कहां से पूछता, सलूड़ डुंगरा, सलूड़ डुंगरा और सेलंग, ये तीन नाम याद रखने हैं आपने, ठीक है। पहले एक साथ, पहले की जो किताबें थी उसमें सलू डूंगरा एक साथ बता रखा था। दरअसल उत्तराखंड में कई बार होता है ऐसा, जैसे रांसी गोंडार एक साथ नाम लिया जाता है, जबकि अलग अलग गांव हैं। कहाँ पढ़ते हैं रांसी गोंडार? अरे भाई रुद्रप्रयाग में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? रुद्रप्रयाग में। कहाँ पढ़ते हैं? जब मद महेश्वर की यात्रा करते हैं ना आप, तो रांसी और गोंडार ये दो गाँव पढ़ते हैं, अलग अलग हैं, क्या है, पर नाम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं। कहाँ जा रहे जी? रांसी गोंडार जा रहे, समझ में आ गया। जबकि रांसी से नीचे जाना पड़ता है 4 किलोमीटर, तब जाके पड़ता है गोंडार, 4 किलोमीटर का डिफरेंस है। और मैदानी इलाकों में तो 4 किलोमीटर कुछ नहीं होता है, पर पहाड़ी इलाकों में भाई बहुत ज्यादा होता है 4 किलोमीटर, है ना। बार बार पूछना पड़ता है कितनी दूर है, और वहां के लोग बोलते हैं भाई थोड़ा सा है, कितनी दूर है, थोड़ा सा है। उतराई में तो नहीं पूछते लोग, लेकिन चढ़ाई में पूछते हैं कितना रह गया, वहां थोड़ा जो शब्द है वो सबसे ज्यादा क्या प्रयुक्त किया जाता है, थोड़ा सा है। तो चलो भाई, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, सलूड़ डुंगरा सेलंग, ये तीन गांव से मैं क्वेश्चन पूछता रम्मान उत्सव, समझ में आ गया? कोई संदेह है? बोलिए बोलिए। जो रांसी स्टेडियम है, बाली के रांसी स्टेडियम अलग चीज है, नहीं गांव का नाम बता रहा हूं मैं, रांसी और गोंडार। और रांसी जो स्टेडियम आप बता रहे हैं ये भी गलत बता रहे हैं, पौड़ी में है, हाँ, और बहुत हाइट पर है रांसी स्टेडियम। रांसी स्टेडियम अलग चीज हो गई, रांसी गोंडार गांव अलग हो गए, बहुत ही क्या है, अब जाके सड़क पहुंची है रांसी तक, कहाँ, कुछ साल पहले,
ठीक है। और बड़े टफ लोग होते हैं वहां के, टफ इसलिए होते हैं क्योंकि मधमेश्वर की यात्रा जो है ना, जो केदार भगवान केदार हैं उनकी यात्राएं इतनी आसान नहीं होती है, हालांकि आसान करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे रुद्रनाथ है तो रुद्रनाथ को बोला जाता है कि चीन की लड़ाई रुद्रनाथ की चढ़ाई बराबर मानी जाती है, ऐसे ही मधमेश्वर भी कम नहीं है, ठीक ठाक है चढ़ाई, है ना। तो इन गांवों का विकास नहीं हुआ बहुत समय तक, अब जाके पर्यटन, जब पर्यटक जा रहा है थोड़ा सुविधाएं दी जा रही हैं, तब जाके थोड़ा बहुत क्या है, मतलब मुख्य धारा से अलग थलग रहे ये गांव। दुख है मुझे इस चीज का, क्या मुख्य धारा से अलग थलग रहे, लेकिन क्या हुआ कि वहां के भूगोल ने वहां के लोगों को बहुत क्या कर दिया, टफ कर दिया। टफ मतलब बहुत ताकतवर लोग होते हैं वहां पर। आप लोग सुबह चलोगे तब जाके शाम को पहुंचोगे, वो लोग दिन भर में दो चक्कर काट लेते हैं, तो इतना स्टेमिना है। यानी फौज में उन लोगों के फिजिकल लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई इन इन क्षेत्रों की जो मुख्य धारा से अलग रहे, जहाँ के बड़े ताकतवर लोग हैं, उनको फौज में क्या फिजिकल देने की, जैसे अंग्रेजों के समय में राठ प्रदेश के लोगों का फिजिकल नहीं होता था, समझ में आया। फिजिकल उन लोगों के लिए है जो स्कूटी में चलते हैं या गाड़ियों में चलते हैं, भाग भी पाते हैं कि नहीं भाग पाते हैं, पुलिस में भर्ती हो रहे हैं तो चोर पकड़ भी पाएंगे या नहीं, इसलिए फिजिकल होता है। चलो कहां तक पहुंचे भाई हम, सलूड़। अच्छा ये हो गया, रांची स्टेडियम पौड़ी में है, कहाँ है, पौड़ी में है, पौड़ी से भी ऊपर पड़ता है काफी, बहुत ऊंचाई पर है रांची स्टेडियम, और रांची गोंडार जो है रुद्रप्रयाग में है, ठीक है, बड़े सुंदर गांव में। चलो जी, इस उत्सव के दौरान भाई पत्थर, पात्र, केमू, शहतूत, लकड़ी के कलात्मक मुखौटे बनाकर, किसके बने होते हैं मुखौटे, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना यहाँ पर, मुखौटे हैं सबसे, क्या हैं, किस चीज के बने होते हैं मुखौटे, पत्थर, पात्र, केमू, शहतूत, शहतूत का ये प्रजाति होती केमू, लकड़ी के कलात्मक मुखौटे लगाकर रामलीला के मुख्य प्रसंगों को लोक नृत्य शैली में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, लोक नृत्य शैली में, समझ में आया। इसके अलावा इस उत्सव में वार्षिकी पूजा अनुष्ठान, वार्षिक पूजा अनुष्ठान, देव यात्रा, स्वांग आदि का भी आयोजन होता है। अब क्यों इंपॉर्टेंट हुआ, यूनेस्को की नजर पड़ी। अब यूनेस्को क्या, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को एजुकेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है हेडक्वार्टर यूनेस्को का, कहाँ है। अगर आप मेरे वीडियोस देखते तो मैंने आपको याद कराने के लिए बोला था कि पेरिस में है, अब याद तो होगा नहीं पेरिस जल्दी से, तो मैंने कहा था आईफिल टावर में लिख देना, एक आईफिल टावर बनाना उसमें लिख देना यूनेस्को, क्या लिखना, अरे भाई यूनेस्को आईफिल टावर पे नहीं है, पर याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस में आईफिल टावर है, आईफिल टावर के ऊपर लिखना यूनेस्को, एक आईफिल टावर बनाना और उसमें लिखना यूनेस्को, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि यूनेस्को कहाँ है, पेरिस में हेडक्वार्टर, ठीक है। और जो पेरिस है वो सीन नदी के तट पर है, किस नदी के तट पर, सीन नदी के तट पर है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन, ठीक है। यूनिसेफ, कभी कभी क्या होता है यूनेस्को और यूनिसेफ में बड़ा दिक्कत हो जाता है, किसमें, तो यूनिसेफ जो है वो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, वो आपका यूएसए में फंड जब भी होगा वो यूएसए में होगा, चाहे वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो चाहे वो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड हो, है ना। तो मुझे बताओ अब यूनेस्को का हेडक्वार्टर यूएसए में कहां पर है, न्यूयॉर्क में, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हडसन, हडसन नदी के तट पर। ज्योग्राफी मैप रीडिंग वाले वीडियोस देखिएगा, उसमें हर एक चीज को मैंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। चलिए जी, तो मुखौटा लगाकर, हाँ तो यूनेस्को की नजर पड़ी भाई, तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 2009 को इस उत्सव को विश्व का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया। क्या किया गया, मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर भी याद रखनी है आपने, घोषित किया गया। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद है भाई कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव हमारे इंस्टीट्यूट में तो अलग तरह का होता है कंडाली उत्सव, जब आप पढ़ते नहीं हो, ये वाला कंडाली उत्सव अलग है, बड़ा सुंदर। पिथौरागढ़ की जनजातियां प्रत्येक 12वें वर्ष, खासकर भोटिया लोगों का है ये, प्रत्येक 12वें वर्ष मनाती हैं कंडाली उत्सव। अब आपने ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन बना वो पूछा कि कंडाली उत्सव कहाँ होता है, तो
तो आपने बोला पिथौरागढ़ में होता है, कहाँ होता है? पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है। तो ये थे आपके प्रमुख उत्सव और महोत्सव। इसके बाद मैं जनजातियां ही पढ़ाऊंगा। कितने मिनट हो गए? बस इसको यहीं पर करो, मैं दूसरा बना रहा हूँ जनजातियों का।